नमस्कार दोस्तों, रेलवे वाला ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एलपी और टेक्नीशियन से रिलेटेड वीडियो के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियरिफाई कर देना चाहता हूं। जैसे इतनी कम वैकेंसी में सीट निकालना आपके लिए उतना ही मुश्किल है जैसे शेर के मुंह से मांस निकालना। 18 की वैकेंसी और 2024 की वैकेंसी में जमीन आसमान का अंतर है। उस बार टोटल वैकेंसी 27,000 प्लस थी और अब की बार 5,696 मात्र है। कम वैकेंसी में सबसे जरूरी और सबसे अहम बात यह होती है कि हम आखिरकार जोन चुने कैसे, किस जोन से फॉर्म फिलअप करें ताकि हमें सफलता मिल जाए। तो इसके लिए मैंने कुछ मैथमेटिकल तरीके से गणना की है और उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो, सुविधा हो। मैं यह जो 2024 की वैकेंसी है इसमें मात्र जो सबसे कम सीट है वो मुंबई एससीआर की है। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या 26 है। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 15 का तो यह लमसम बन रहा है 390। और इसी प्रकार जो प्रयागराज है एनआर, उसमें टोटल पोस्टें हैं 45। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 15 का तो टोटल नंबर जो सीबीटी 2 के लिए बुलाएंगे वो होंगे 675। तो जो 675 और 390 के बीच में टारगेट है, आप गलत समझने की कोशिश कीजिएगा। जो 390 और 675 के बीच में जो भी जोन आ रहे हैं, मान लीजिए इसमें गोरखपुर भी आ रहा है, जम्मू एंड श्रीनगर भी आ रहा, मुजफ्फरपुर भी आ रहा, पटना भी आ रहा, तो ये जो जोन है। और जो पिछली वैकेंसी थी मालदा का जो टोटल पोस्ट थी 614 थी, तो उस बार 614 में मालदा की जो मेरिट गई थी वो 65 गई थी, मतलब सबसे कम गई थी। और अजमेर बोर्ड की सबसे हाई गई थी 79। तो जो उस बार का कट ऑफ था मेंस का, वो इस बार का कट ऑफ रहने वाला है प्री का। आप बात समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे उस बार टोटल कट ऑफ गई थी सीबीटी 2 के लिए, जो फाइनल कट ऑफ गई थी 65 से 79 के बीच में गई थी, तो जो अब की बार की कट ऑफ रहने वाली है वो सीबीटी 2 में जो बुलाएंगे कैंडिडेट वो 65 टू 79 या 80 प्लस रहने वाली है। अब आपको कुछ और कैलकुलेशन आगे करके बताते हैं। जैसे मैंने कुछ जोन ये लिए हैं, प्रयागराज 45 वैकेंसी, गोरखपुर 43 वैकेंसी, जम्मू एंड श्रीनगर 39 वैकेंसी, मुजफ्फरपुर 38 वैकेंसी, पटना 38 वैकेंसी और मुंबई एससीआर 26 वैकेंसी। तो इसमें अगर सीटें देखें तो बहुत ही कम है। तो इन टोटल का अगर सबका सम निकालें तो 675 से 390 के अराउंड बच्चे बुलाएंगे, मतलब 390 बुलाएंगे मुंबई में सीबीटी 2 के लिए, और प्रयागराज एनआर में 45 सीटें हैं तो 675 बच्चे बुलाएंगे। तो इसमें जो मेरिट है वो 75 प्लस ही जाएगी, तभी आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। ये जो मैंने आपको 5-6 जोन बताए, अब आगे के जोन बढ़ते हैं कुछ, इनमें क्या रहने वाला है। कुछ 75 से कुछ मेरिट कम जाएगी, ये मान के चलिए 72 से 75 के बीच में रह सकती है। तो वो बोर्ड है कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़, भोपाल। अब इनमें क्या है, और मालदा में सीटों की संख्या है 56 और इसमें 15 गुना बुलाएंगे तो 840 होंगे। और जो कोलकाता एससीआर है इसमें है सीटों की संख्या 91, अगर इसमें 15 गुना बुलाएंगे तो 1365 बुलाएंगे। तो जो हम पिछली बार ले 1365 या 840, 56 का 15 गुना 840, तो इसमें से जो 1365 से 840 के बीच में अगर हम पिछली वाली वैकेंसी की गणना करें, पर जो भोपाल जोन था उसमें सीट की संख्या थी 854 WCR में, तो वहां की मेरिट जो गई थी जनरल की 76 गई थी। और जो अजमेर बोर्ड था वहां थे 1057 कैंडिडेट फाइनल जो लेने थे उनको, तो वहां की 79 गई थी। तो अब ये कंडीशन बन रही है, ये जो 4-5 जोन हमारे पास बचे, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़, भोपाल, मालदा, तो जो मेरिट जाएगी इस बार सेकंड की इनमें जाएगी 73 टू 75 प्लस, इतनी रहने वाली है इन 5-6 बोर्ड की।
अब इससे जो थोड़ी सी कम मेरिट जाएगी अराउंड 70 से 73 के बीच में, तो वो हमारे बोर्ड है सिकंदराबाद ECOR, मालदा ER, रांची SER, चेन्नई SR, बिलासपुर CR और मुंबई WR। तो इसमें जो मुंबई है इसमें WR में 110 सीटें हैं, तो इसमें जो 15 गुना लड़का बुलाएंगे तो 1650 हो रहा है, और जो सिकंदराबाद है इसमें 199 सीटें हैं, तो जब 15 गुना बुलाएंगे तो सीटों की तो वो कुल लड़के 2985 बुलाएंगे। इसी प्रकार मालदा में 2415 बुलाएंगे, रांची में 2295 बुलाएंगे, चेन्नई में 2220 बुलाएंगे, बिलासपुर में 1860 बुलाएंगे, मुंबई में 1650 बुलाएंगे। तो इसका भी असर पड़ता है कि कितने गुना लड़के किस जोन में जा रहे हैं। तो इसमें से जब अगर आप ये जोन सेलेक्ट करते हैं तो आपको 70 से 73 नंबर के बीच आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। अब हम बढ़ते हैं ऐसे बोर्ड की ओर 65 से 70 नंबर के बीच में मेरिट रहने की संभावना है, CBT 2 के लिए मतलब बुलाए जाने की संभावना है। तो उसमें है मुंबई CR जहां पर 411 सीटें हैं, वहां कुल लड़के बुलाए जाएंगे 6165 CBT 2 के लिए। भुवनेश्वर ECOR 280 सीटें हैं, यहां पर 4200 लड़के बुलाए जाएंगे। कोलकाता ER 254 सीटें हैं, यहां पर 3810 बच्चे बुलाए जाएंगे। प्रयागराज NCR जिसमें 241 सीटें हैं, यहां पर 3615 बच्चे बुलाए जाएंगे। उसके बाद अहमदाबाद में 238 सीटें, यहां पर 3570 बच्चे बुलाए जाएंगे। फिर आखिरी में बोर्ड आता है अजमेर, जो उस बार इसकी मेरिट 79 गई थी, यहां पर अब की बार 228 सीटें, तो 228 सीटों में बच्चे बुलाएंगे 3420। तो जब ये 15 गुना बुलाएंगे तब यहाँ थोड़ी सी मेरिट कम जाने की संभावना है, तो यहाँ पर मेरिट रह सकती है आपकी 65 से 70 के बीच में। अब आपके बचे 3 बोर्ड जिनमें थोड़ी वैकेंसी ज्यादा है, मतलब अब की वैकेंसी से जो थोड़ी वैकेंसी ज्यादा है, इसमें सब यहाँ इसमें मेरिट रह सकती है 60 से 65 के बीच में। तो जो बिलासपुर है, बिलासपुर में सीटों की संख्या है 1192 और जो सिकंदराबाद है उसमें है 559, मतलब जस्ट डबल है, और जो बेंगलुरु है इसमें 473 है, मतलब 3 गुना का अंतर है लमसम। तो जो बिलासपुर है उसमें से थोड़ी सी कम मेरिट जाने की संभावना है इन दोनों में। तो बिलासपुर, सिकंदराबाद और बेंगलुरु ये थोड़े सेफ जोन है, जो सबसे सेफ जोन है मेरे हिसाब से वो है बिलासपुर, इसके बाद सिकंदराबाद, फिर बेंगलुरु। ऐसा नहीं कि इनमें से हो सकता है ज़्यादा डिफरेंस ना भी आए, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम नौकरी पाएं और सबका सपना होता है, तो जो बच्चे होंगे वो अधिकतर कोई बताए या ना भी बताए, आजकल के बच्चे समझदार हैं, वो 11 जहां पे सीटें ज़्यादा देखेंगे वहीं भरेंगे। तो इसमें से अब आपको एक छोटी सी चीज़ बताते हैं, मान लीजिए आपने मुंबई भरा जहाँ 26 सीटें हैं और एक बच्चे ने बिलासपुर भरा जहाँ 1192 सीटें हैं, अगर आप मुंबई में 1-2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो हो सकता है आप उन 15 गुना में ना आ पाए, 390 जो बनता है उसमें ना आ पाए, क्योंकि बहुत नंबर का जो कैलकुलेशन है बहुत छोटा है। अगर आप बिलासपुर भरते हैं जहां 1192 सीटें हैं, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 15 का करते हैं तो 17880 बच्चे CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। तो आप इस चीज का अंतर समझिए, आपका अभी मेन फोकस होना चाहिए कि हम CBT 2 तक पहुंचे, बाद में देखी जाएगी। तो ये अंतर पड़ जाएगा, अगर आप बिलासपुर चुनते हैं तो छोटा मोटा अगर डिफेक्ट भी होता है, 1-2 नंबर का कम भी होता है, तो हो सकता है आप 15 गुना में सिलेक्ट हो जाएं। तो जो भी जोन चुने वो बड़ा सेफली चुने और वैकेंसी को देखते हुए चुने, जहां कम वैकेंसी है वहां अभी खतरा ज़्यादा है और जहां ज़्यादा वैकेंसी है वहां थोड़ा खतरा कम है। वैकेंसी तो हर जगह ही कम है, लेकिन इस कैलकुलेशन हिसाब से आप देखिए कि 1192, 559, 473 इनका अगर हम 15 गुना करते हैं तो बहुत मल्टीपल में पहुंच जाता है, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार पहुंच रहा। अगर यहीं हम नीचे वाले की कैलकुलेशन करें तो ये हज़ार भी नहीं पहुंच रहे हैं, जैसे मुंबई हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, जम्मू श्रीनगर हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, मालदा हो गया, भोपाल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, सिलीगुड़ी। जब हम सिलीगुड़ी के करीब पहुंचते हैं तब हमारा अगर 15 गुना करते हैं तो 1005 बच्चा होता है,
तो कहां 1000 और कहां 17000 या 8000, 8 गुना का तो डिफरेंस यहीं पर है, 15 गुना में लेने में ही। तो आप बड़ा सोच समझ कर पूरी कैलकुलेशन के साथ ही जोन चुने, क्योंकि अब मान लीजिए एक तालाब भरा है, तो तालाब से अगर पानी निकालेंगे तो ज़्यादा ही निकलेगा, और जो तालाब सूखा है तो उसमें से पानी निकालेंगे तो कम ही निकलेगा। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख के जोन चुने। अगर आपकी पहली प्रायोरिटी है कि हमें नौकरी पाना है, तो आप ऊपर के जो मैंने बताए, बिलासपुर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर, कोलकाता, प्रयागराज, NCR, अहमदाबाद और अजमेर और भोपाल, WCR, सिकंदराबाद, यहाँ तक की आप पोस्ट चुन सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं मेरी प्रायोरिटी नौकरी नहीं, मुझे घर के करीब रहना है, तो आप वो जोन भी चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा NCR जोन में आता हूँ, तो NCR के करीब NER है, तो मैं NER चुन सकता हूँ। तो आप उस जोन को भी प्रेफर कर सकते हैं जो आपके करीब है, आपके घर के करीब है और उसमें आप वैकेंसी ज़्यादा है, और अगर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है वही जोन चुनिए। तो आप जहाँ पर रह रहे हैं वही जोन चुनिए। दोस्तों आशा करता हूँ ये गणित आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई है तो इसको आप फॉलो करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।